सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जयकारा शेरुमालिका बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात्रि को आप क्या पूजा करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, धन संबंधित किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। दीपावली की रात्रि का धार्मिक दृष्टि से कितना महत्व होता है, और हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दीपावली की रात्रि को पूजा और सिद्धि के लिए इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है, क्या है दीपावली की रात्रि का रहस्य, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों के साथ शेयर करूंगा। प्रिय दर्शकों, पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए घंटी का निशान जरूर दबा लें। तो चलिए माता महालक्ष्मी को नमस्कार कर शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात्रि को क्या पूजा करें और किस प्रकार से महालक्ष्मी माता की पूजा करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, आपके धन के रास्ते सुगम हो। प्रिय दर्शकों, दीपावली अमावस के दिन होती है। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात्रि आप किस प्रकार से अपने घर पर माता महालक्ष्मी की पूजा करें जिससे आपको धन की प्राप्ति होती रहे, आपको पैसे से जुड़ी कोई भी समस्या ना आए। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात्रि को जो पूजा की जाती है उस पूजा का नाम होता है महालक्ष्मी पूजा। अगर आप दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसकी क्या विधि है यह भी मैं आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से आपको वह पूजा करनी चाहिए जिससे आपको धन की प्राप्ति होती रहे। प्रिय दर्शकों, तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए भी दीपावली की रात्रि को बेहद खास माना जाता है, और कई इस रात को सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग में लेकर के आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो उपाय, जो पूजा बता रहा हूं, यह पूजा पूर्ण रूप से सात्विक पूजा है। अर्थात अगर आप इस पूजा को करते हैं तो आपको बहुत जल्द धन से जुड़ी खुशखबरियां मिलने के संकेत बनेंगे। प्रिय दर्शकों, महालक्ष्मी माता दीपावली के दिन अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात्रि को जो भी भक्त सत्यप्रायण होकर महालक्ष्मी की पूजा करता है उसकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। प्रिय दर्शकों, आप ये लगा लीजिए कि दीपावली की रात्रि को किया गया आपका लक्ष्मी पूजन आपको वर्ष भर तक धन से जुड़ी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देता, और अगर आपने सत्यप्रायण होकर महालक्ष्मी माता की पूजा कर ली तो धन से जुड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दीपावली की रात्रि को आपने किस प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन करना है, आप लक्ष्मी यंत्र भी लेकर के आ सकते हैं बाजार से, उसके अलावा चांदी का सिक्का या श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, इनमें से आप कोई भी यंत्र ले सकते हैं, या महालक्ष्मी यंत्र कुबेर यंत्र दोनों ले सकते हैं। उसके बाद आपने इन यंत्रों की पूजा करनी है। इन यंत्रों की
पूजा करने के लिए आपने एक बड़ा दीपक जला लेना है। उस दीपक के अंदर 9 बत्तियां लगी होनी चाहिए, अर्थात 9 बत्तियों वाला वह दीपक होना चाहिए। वह जलाकर फिर आपने बैठ करके वहां पर माता महालक्ष्मी का पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, किस मंत्र के द्वारा आप माता महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं या उनकी माला कर सकते हैं? आप इस मंत्र के द्वारा माता महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि धर्म देहि, यशो देहि द्विशो जाहि। इस मंत्र के द्वारा आप महालक्ष्मी माता का ध्यान करें। प्रिय दर्शकों, आपने लगातार कम से कम 21 माला जाप करना है। 21 माला जाप करने के बाद फिर आपने उन यंत्रों की जिनकी आपने पूजा की है उनको अलग अलग से लाल कपड़े में लपेट देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद उन यंत्रों को आप अपने धन स्थान जहां पर आप अपना पैसा अपना सब रखते हैं वहां पर उन यंत्रों को रख दें। इस प्रकार से की गई आपकी है पूजा, महालक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र की है पूजा, आपके घर को धन से परिपूर्ण कर सकती है। महालक्ष्मी माता बहुत जल्द इस पूजा से प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दीपावली के समय जो भी भक्त सच्चे मन से महालक्ष्मी माता की पूजा कर लेता है उसे तुरंत प्रभाव से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए आने वाली दीपावली की रात्रि को आपने यह महालक्ष्मी माता की पूजा जरूर करनी है, लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा जरूर करनी है। इसके अलावा अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी महालक्ष्मी माता के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको करवा सकता है। इस प्रकार से की गई दीपावली की रात्रि की यह पूजा आपको धन से जुड़े बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चांदी का सिक्का भी आप ले सकते हैं या फिर लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र ले सकते हैं। इनकी पूजा आपने अपने सामने इन सिक्कों को इन यंत्रों को रखना है, उसके बाद आपने अपनी पूजा प्रारंभ कर देनी है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से दीपावली की रात्रि को की गई है पूजा आपको बहुत जल्द अच्छे परिणाम दे सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप वह प्रश्न कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों से आज्ञा देता हूँ, माता महालक्ष्मी की कृपा और विष्णु भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय माता की।